व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम ने बताया कि बैठक में पूर्व में आए हुए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। बचे 3 मामलों का जांच चल रहा है, उसे भी जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा। बुधवार को आए हुए मामलों का 1 सप्ताह के अंदर समाधान कर दिया जाएगा, जिससे व्यापारी बंधुओं का व्यापार प्रभावित न हो व अपने व्यापार को निर्विवाद सकुशल चलाते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, आपको फिर से उस पुलिस कार के लिए धन्यवाद देता हूं। आज आप दो दिन ताली बजा रहे हैं और लूटने वाला दोनों ही सरदार भवन में रुके थे। वहाँ पर एक सुझाव है, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अच्छे लोगों को भी गतिविधियों पर नजर रहे। और देखिए, ये तो लूट हो रही है, लूट के उसी दिन वो आदमी गायब हो रहा है जो दूसरा व्यापारी लुटा हुआ था, उसी दिन वो जा रहा है, उसी दिन से अगर आदमी मिसिंग है और सबको पता है इतनी बड़ी लूट हो रही है, तो हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं आया कि फला आदमी इसके पड़ोसी गायब है। हमारे पास जो सूचना आती है वो जनता से ही मिलती है, आप लोगों से ही मिलती है, उसी के सहारे हम लोग सरागसी के सहारे करके आए। तो जैसी व्यवस्था मांग रही है बनाई जाए तो बेहतर रहे आगे चलती। इसके बाद 5 तो वही बात करना चाह रहा हूँ, और फिर वो वही आ रहा है, आ रहा है। और ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप लोग ही हमारे हाथ पैर और सारी शक्तियाँ जो है, जनता नहीं नेक है। तो किसी भी प्रकार के ग्राम की कोई सूचना मिलती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, नाम एक्सपोज करने जाते हैं, तो सिंपली आप मैसेज कर दीजिए, हम नहीं पूछेंगे किसका मैसेज है, सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिए। नॉर्मली हम लोग पूछते भी नहीं है और सूचना ऐसे ही आती है, कोई विशेष बात नहीं, कभी बुला के पूछेंगे, थोड़ा सा मिलता है। मैं ये चाहूँगा कि इसकी सतर्कता को देखते हुए उस पर गंभीर व्यापार मंडल गोरखपुर की ये मासिक समीक्षा बैठक है, तो इसमें नियमित रूप से हम अपने व्यापार जगत की, जनपद की जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करते हैं। पिछली समस्याएं उनके बारे में जो निराकरण से रह जाती हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं, क्या कमियां क्यों रह गई। तो अधिकांश समस्याओं का निराकरण हो चुका है, 3 समस्याएं ऐसी आई हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ है। अगली मीटिंग से पूर्व ही अगले 1 सप्ताह में उन समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। और व्यापारियों से मैंने अनुरोध किया है इनके माध्यम से कि किसी भी प्रकार के आपराधिक लोग, बैड एलिमेंट्स किसी भी एरिया में शहर में घूमते पाए जाएं, उनकी कोई गतिविधि ऐसी पाई जाए तो हम लोगों को सूचना दें, ताकि हम गोरखपुर जनपद के लिए अपराध मुक्त और भयमुक्त बना सकें। सभी का हमको पूरा सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी और सहयोग की उम्मीद है। थैंक यू। होली का है और काफ़ी मिलावटखोरी की बातें आती हैं और रंग लगा कर लोग तमाम लोग क्या कहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं गोरखपुर की जनता को व्यापार मंडल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि होली का पर्व है और कोविड भी चल रहा है, तो कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति के कहीं कोई मीटिंग या सम्मेलन ना करें, और त्यौहार के लिए शांति और सौहार्दपूर्वक अपने अपने घरों में ही मनाएं, और ज़बरदस्ती जो है किसी के ऊपर रंग डालने का प्रयास ना करें। और कोविड के रहते हुए पूरी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि कोविड से जंग जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग रहेंगे तो आगे भी सब कुछ मनाएंगे, तो ऐसी मेरी उम्मीद और कामना। इसी के साथ साथ होली की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।